सबसे पहले इंडेक्स प्रॉपर्टीज में अगर बात करें तो हम बात करते हैं किसकी, वाटर कंटेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, वाटर कंटेंट की। तो एक एक पॉइंट देखते जाना और अगर वहां पर कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में फटाक से दे देना। अगर मैं बोलता हूं यहां पर वाटर कंटेंट की तो क्या क्या जरूरत है जानने की। सबसे पहला मैं बोलता हूं कि वाटर कंटेंट को डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं आपके पास स्मॉल डब्ल्यू से। पहली चीज, कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए आपको दो से तीन चीजें पता करनी है। एक तो डिनोट कैसे करना है, एक आपके पास वो किस चीज का रेशियो है, तीसरा आपके पास वो उसका लिमिट क्या है, और चौथा कि क्या वहां पर उसका किसी और प्रॉपर्टी से रिलेशन है क्या। तो देखो, वाटर कंटेंट को आपने डिनोट कर दिया किससे, स्मॉल डब्ल्यू से। रेशियो की बात करी कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू होता क्या है सर, तो तुमने बोला कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू होता है आपके पास में, दैट इज योर वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड, दो चीजें आ गई। वेट ऑफ एयर लिया, नहीं, एक वहां पे आपके पास क्या लेके चले थे, जीरो लेके चले थे। वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड, आपने बोल दिया वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। बात आती है कि अब एक पॉइंट क्या पता कर लिया कैसे डिनोट करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर कंटेंट, तीसरा पॉइंट है आपके पास में इसका लिमिट क्या होगा। तो फटाक से मुझे बता दो कि क्या लिमिट आपके पास में, अगर आपको कुछ मालूम है कि लिमिट इसका ये से यहां से यहां तक हो सकता है तो उसका लिमिट का लिमिट जो है तो कमेंट करके बता दो कितना लिमिट होगा। ओके, लिमिट की बात मैं कर रहा हूं, और लिमिट की बात करूं तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ इसकी लिमिट पढ़नी है, लिमिट तो मेरे पास बहुत सारी है, याद करना पड़ेगा, याद करने में कंफ्यूजन होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि लिमिट को निकालना सीख जाओ, और लिमिट को निकालना एक बार सीख गए तो तुम्हारे पास उससे इजी काम और कुछ होगा नहीं। अब देखो लिमिट को निकालते कैसे हैं, दो स्टेप का काम है मेरे को। आपके पास क्या करो, ऊपर वाले टर्म को उठाओ और जीरो के इक्वल पुट कर दो। कहने का मतलब कि चेक करो कि क्या वेट ऑफ वाटर जीरो के पॉसिबल है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं भी कह देता हूं मुझे नहीं मालूम, मैं आपको केसेस चेक कर देके केसेस चेक करके दे देता हूं। ऊपर वाले टर्म को उठाइए, जीरो के इक्वल पुट करिए, अगर जीरो के इक्वल है, अगर वो जीरो के इक्वल है तो आप मार्क लगा दोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का। अगर वो जीरो के इक्वल पॉसिबल नहीं तो सिर्फ मार्क लगाओगे किसका, ग्रेटर देन जीरो का। पहली चीज, दूसरा ऊपर वाले टर्म को उठाओ, नीचे वाले से कंपेयर करो, अगर वो टर्म उसका उससे ज्यादा, मतलब वैल्यू किससे ज्यादा, एक से ज्यादा, अगर उसके बराबर तो वैल्यू किसके बराबर, एक के बराबर, और अगर उससे कम तो वैल्यू किससे कम, एक से कम। तो कुछ इतने केस आपके पास में हो सकते हैं। हम यहां पर देखो एक एग्जांपल देते हैं, समझ के आ जाएगा। क्या वेट ऑफ वाटर किसी भी केस में जीरो हो सकता है क्या, क्या वेट ऑफ वाटर किसी भी केस में जीरो हो सकता है क्या। तुमने बोला सर नहीं, किसी भी केस में मतलब आपके पास हर केस में ये मतलब जीरो हो सकता है नहीं, तो तुम्हारे पास बोले सैचुरेटेड कंडीशन, बोले वहां तो अब पूरा का पूरा जीरो नहीं, वो तो पूरा का पूरा वॉइड के बराबर होता था। बोले कब, तो आप बोलते हो यहां पर कि हां सर होता है कब के लिए, फुली ड्राई कंडीशन के लिए। फुली ड्राई कंडीशन के लिए वेट ऑफ वाटर आपका जीरो होता है। तो आपने क्या बोला कि वाटर कंटेंट का लिमिट जीरो के बराबर हो गया। अब कुछ भी वैल्यू आएगा तो वो ग्रेटर देन का मार्क लगा देगा, ग्रेटर देन हो गया। अब मैं अपर लिमिट चेक कर लूं, क्या चेक कर लूं, अपर लिमिट। अब मैंने अपर लिमिट चेक करने के लिए क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर लिया। मैंने बोला वेट ऑफ वाटर क्या वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है, तो वहां पर आपने बोला बिल्कुल हो सकता है। कब के केस में, सॉइल सस्पेंशन के केस में, सॉइल सस्पेंशन के केस में आपने बोला पॉसिबल है, सबमर्ज्ड कंडीशन के केस में पॉसिबल है। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप यहां पर बोलोगे कि डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा। ठीक, अब मुझे आप थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात करो। यहां पर एक लिमिट लिख दिया तुमने जीरो से ज्यादा, जीरो या जीरो से ज्यादा, और दूसरा लिख रहे हो एक से ज्यादा। अरे तो जब जीरो से ज्यादा भी है, एक से ज्यादा भी है, तो सिर्फ एक तरीके से दिखाओ ना, सिर्फ आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो दिखा दो, कहानी खत्म। आपको यह लिखने की जरूरत क्या है आपके पास में कि एक से ज्यादा है। हाँ, एक से कम होता, एक से वैल्यू कम होता तो लिख के बता देते आपके पास में कि एक से कम है, बट जब जीरो से भी ज्यादा है, जब एक से भी ज्यादा, तो डायरेक्टली वहां पर जीरो से ज्यादा वैल्यू पुट करिए, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या होगा आपके पास में, ये होता है तुम्हारे पास में वाटर कंटेंट। तुमने बोला कि वाटर कंटेंट आपके पास क्या है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड किया, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड क्रॉस चेक किया, लिमिट आपके पास निकल के आ गया। तो ये आपके पास में चौथी चीज यहां पर थी। ठीक है, अब रिलेशन की बात करें कि वाटर कंटेंट किसी और से रिलेट करता है क्या, तो अभी करते हैं ये काम कि थोड़ा दो तीन प्रॉपर्टी और देख लेते हैं और उसके बाद सभी का रिलेशन आपस में देख लेंगे। जैसे इसके लिए रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी,
S stand for degree of saturation, E stand for void ratio, W stand for water content, and G stand for specific gravity. But उसके पहले आपको पता तो चल जाए कि आपके पास degree of saturation क्या है, आपको पता तो चल जाए कि specific gravity क्या है, आपको पता तो चल जाए आपके पास में कि W water content है, कि E void ratio है. Is it okay? तो पहले properties को जान लें. तो एक ये हुआ आपके पास में कौन सा property? ये हुआ आपके पास में water content का property. आगे अगर चलें तो दूसरा property हम उठा लेते हैं यहाँ पर. कौन सा हम उठा लेते हैं? void ratio. तो देखो सेकेंड प्रॉपर्टी आपने क्या उठा लिया? वॉइड रेशियो. चलो वॉइड रेशियो के बारे में बात करें. यहां पर सबसे पहली चीज क्या? डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट कर दिया हमने किससे? ई से डिनोट कर दिया, पहली चीज. दूसरा, रेशियो किस चीज का होता है? तो तुम बोलते हो कि सर वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है आपके पास में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स. आप बोलते हो कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर दो, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? वॉइड रेशियो मिल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ वॉइड वी बोल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी एस बोल दिया, वॉइड रेशियो को ई से दिखा दिया. इज इट ओके? तो देखो पहली चीज ये डिनोट पर कैसे होता है पता चल गई. दूसरी चीज, रेशियो किस चीज का है वो पता चल गया. तीसरी चीज, लिमिट निकालना. लिमिट देख लो, पहला स्टेप ऊपर वाले टर्म को उठाइए, जीरो के इक्वल पुट करिए. सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो आपके पास क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड को जीरो करा पाना पॉसिबल है? तो ऐसा नहीं है. अंडर हैवीएस्ट पॉसिबल कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्टिव इफेक्ट का मैक्सिमम भी अगर आप यहाँ पे लगा दो तो भी हर एक वॉइड को तोड़ पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन वाला काम होता है. तो आपके पास में वी वी इज इक्वल टू जीरो, तो आप बोलते हो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्या है ये? नॉट पॉसिबल. और अगर ये नॉट पॉसिबल हुआ तो ये बताओ कि ये जीरो के बराबर नहीं, मतलब टर्म जीरो के बराबर नहीं, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तो जीरो से ज्यादा हो जाएगा. तो एक लिमिट पता चल गई, लोअर. अपर लिमिट चेक करो, क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड सॉलिड ज्यादा हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है. सॉइल सस्पेंशन के केस में देखा था, अगेन सॉइल सस्पेंशन के केस में ये पॉसिबल है. और अगर ये पॉसिबल है मतलब ई का वैल्यू आपके पास में ग्रेटर देन वन भी है. अगेन क्या इसको कुछ लिखने का सेंस है? क्या इसको कुछ लिखने का सेंस है? इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन वन. अरे ग्रेटर देन वन क्यों लिखना? फिर अगर वन से कम होता तो लिख देते. आपने वहां पर बोल दिया इसका लिमिट क्या हो गया? इज ग्रेटर देन जीरो हो गया. तो दो प्रॉपर्टी आपके पास में हुई, एक हुआ आपके पास में वॉटर कंटेंट, एक हुआ आपके पास में वॉइड रेशियो. आगे चलेंगे और देखेंगे किसकी तरफ में. आपके पास आगे चल के देखते हैं हमारे पास दैट इज योर पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में. इज इट ओके? हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. जर तुम्ही आमचं चॅनल अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच सबस्क्राईब करा आणि मिळवा परीक्षांचे अपडेट्स, मोफत स्टडी मटेरियल आणि व्हिडिओ लेक्चर्स. धन्यवाद.